भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा चौथा टेस्ट मैच का दूसरा दिन भले ही इंग्लिश टीम के नाम रहा हो, लेकिन टीम इंडिया वापसी की पूरी उम्मीद कर रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि 250 के स्कोर पर इंग्लैंड का 8वां विकेट गिर चुका है और 8वें विकेट के रूप में इंग्लैंड के सबसे सेटल्ड बल्लेबाज ओली पोप अपना विकेट जो है वो गंवा बैठे हैं। 81 रन बनाकर ओली पोप आउट हुए। शार्दुल ठाकुर ने 77वें ओवर की पहली गेंद पर ओली पोप को आउट किया, प्ले डाउन हो गए। शार्दुल ठाकुर की इन स्विंग देखकर वो आउट स्विंग करा रहे थे पिछले ओवर्स तक, लेकिन उसके बाद उन्होंने अचानक इन स्विंग करा दी और ओली पोप अपना विकेट जो है वो गंवा बैठे। शार्दुल ठाकुर ने भारत को एक अच्छी सफलता जो है वो दिलाई है। ख़ास तौर पर अब ये देखना होगा कि भारत किस तरीके से यहाँ पर जल्द से जल्द इंग्लिश टीम को ऑल आउट करती है। बड़ी बात यह है कि ऑलरेडी 61 रनों की लीड इंग्लिश टीम यहाँ पर ले चुकी है टीम इंडिया से, और अब देखना होगा कि टीम इंडिया किस तरीके से यहाँ पर शिकार बनाती है जल्द से जल्द अंग्रेज़ों को अपना, क्योंकि इससे टीम इंडिया को ही फ़ायदा होगा। और ये बात तो तय है कि भारतीय टीम को यहाँ पर एक अलग तरीके की रणनीति अपनानी होगी। खास बात यह है कि जिस अंदाज में भारतीय टीम ने अभी तक प्रदर्शन किया है, उस लिहाज से इंग्लैंड अभी इस गेम में आगे है, और उस गेम के लिहाज से देखा जाए तो टीम इंडिया को थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा जिससे भारत इस मुकाबले में वापस आ पाए। हालांकि अभी तक मैच में इंग्लिश टीम आगे है, लेकिन कितने आगे जाती है ये देख, क्योंकि लगभग लगभग वो 100 रन का टारगेट लेकर चल रहे हैं कि 100 रन की लीड अगर वो ले लेते हैं तो दे वुड बी हैप्पी। तो उस हिसाब से यहाँ पर इंग्लिश टीम को यहाँ एज है। हालांकि अभी 3 दिन का खेल बचा है और ये बात तो तय है कि भारत को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग करनी होगी, वरना ये टेस्ट मैच तो गया हाथ से। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।